और जो अपने को अपनी पार्टी से भी नहीं जोड़ सके वो भारत जोड़ो की यात्रा पर निकले। याद है ना, कांग्रेस में एक दरबारी गायन होता है, राहुल जी को फिर अध्यक्ष बनाओ, फिर अध्यक्ष बनाओ, वो कहते हैं मैं नहीं बनूंगा, और बीच में विदेश यात्रा पर चले जाते हैं। तो पार्टी से वो कितने जुड़े हैं ये तो आप सभी जानते हैं। जहां तक पार्टी को जोड़ने का सवाल है, गुलाम नबी आजाद चले गए, कितनी बड़ी बड़ी बातें कह गए वो, कैसे आचरण होता है राहुल जी का और कांग्रेस के अंदर पूरी संस्कृति कैसी दरबार संस्कृति बन गई है, बाकी नेताओं की टिप्पणी होती है। मनीष तिवारी जी को कहना पड़ा कि हम स्टेक होल्डर हैं, हमारी बात सुनी जानी चाहिए। तो कांग्रेस तो अपने लोगों को जोड़ नहीं पा रही है, उनके अपने पुराने समर्पित छोड़कर जा रहे हैं, और राहुल जी चले हैं देश जोड़ने। तो राहुल जी पहले अपना घर तो संभाल लेते, घर को जोड़ लेते तो देश जोड़ने की बात करते। तो ये छलावा है, दिखावा है, इट इज हिपोक्रेसी ऑफ द वर्स्ट ऑर्डर। लेकिन राहुल जी, आज पार्टी की ओर से मुझे आपसे एक दो सवाल पूछने हैं। आपने स्वयं देश की एकता को कमजोर करने की कोशिश कितनी की है? आज आप देश को बताइए, अपनी यात्रा में आपने देश के जवानों से उरी का सबूत मांगा था कि नहीं मांगा था? आपने देश की सेना से बालाकोट की गवाही मांगी थी या नहीं मांगी थी? हिंदुस्तान की एक संस्कृति रही है कि सेना की शहादत, सेना के शौर्य और सेना के बलिदान पर कभी सवाल नहीं करते, और आपने उसका सबूत मांगा। ये आपने देश की सामरिक सुरक्षा और सेना के त्याग को भी तोड़ने की कोशिश की और आप देश को जोड़ने की बात करते हैं। राहुल गांधी, याद करिए, कोविड के समय में जब पूरे देश को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक करने की बात कर रहे थे, तो आपने क्या कहा था? लॉकडाउन से क्या होगा, थाली पीटने से क्या होगा, मोमबत्ती जलाने से क्या होगा, ये आपने कहा था ना? ये सब आपके स्टेटमेंट तो पब्लिक रिकॉर्ड पर है ना? तो उस समय तो आप देश की एकता को कितना मजबूत कर रहे थे, ये आपको समझना पड़ेगा। इसलिए आज आपसे पार्टी की ओर से सवाल पूछे जा रहे हैं कि देश की एकता को कमजोर करने का आपका रिकॉर्ड कैसा है, और आप चले हैं देश को जोड़ने के लिए। तो ये जो नाटक है, ये जो छलावा है, ये जो दिखावा है, इसको देश के आगे बताना जरूरी है। मोटी बात ये है मित्रों कि ये परिवार को बचाने की यात्रा है, ये परिवार का पार्टी पर नियंत्रण बना रहे उसके लिए यात्रा है। और इनके साथ कौन लोग खड़े हैं? जो भ्रष्टाचार से दुखित हैं, भ्रष्टाचार की कार्रवाई में आरोपित हैं, और जिनकी स्वयं की राजनीतिक दुकान खतरे में है। तो अपनी राजनीतिक दुकान को बचाने के लिए वो इस यात्रा के साथ खड़े हो रहे हैं, जबकि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप के कारण उनकी पूरी राजनीतिक विरासत और शख्सियत कमजोर हो गई है। चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में बेल पर हो, ये सारी बातें देश के सामने हैं। इसलिए आज ये बहुत जरूरी समझा गया कि उनकी देश को जोड़ने वाली यात्रा कितनी खोखली है ये बताना जरूरी है। लालू जी, ये हमारे राहुल जी देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो बिहार के हमारे मुख्यमंत्री नीतीश बाबू दिल्ली में
राजनीतिक तीर्थयात्रा पर आए हैं। बिहार में सूखा भी है, नदियां प्रचंड रूप से बाढ़ में भी हैं, हत्याएं रोज हो रही हैं, आज भी हुई दोनों की हत्या पटना के समीप। उत्तर बिहार में पुलिस के ऊपर गोली चलाई गई, तो अपराध कितना बढ़ रहा है ये तो हम देख रहे हैं। और नीतीश बाबू दिल्ली आए हैं राजनीतिक तीर्थाटन में, लोगों से मिल रहे हैं, मिलना तो अधिकार है, लेकिन ये कवायद है क्या? आज देश को ये बताना जरूरी है कि ये देश बहुत आगे निकल गया है। नीतीश जी, आप जब घूम रहे हैं तो आपको बताना जरूरी है कि कांग्रेस ने चंद्रशेखर जी की सरकार को हरियाणा के दो सिपाहियों के नाम पर गिरा दिया था ना। नीतीश बाबू, आप चूंकि राहुल गांधी से मिले हैं इसलिए आपको बताना जरूरी है ना कि देवगढ़ की सरकार को कांग्रेस पार्टी ने गिरा दिया था एक साल के अंदर। और नीतीश बाबू, आपको यह भी बताना जरूरी है कि इंदर गुजराल की सरकार को 8-9 महीने में इसलिए गिरा दिया गया कि उनका पब्लिक स्टेटमेंट था कि मुझ पर भ्रष्टाचार से कॉम्प्रोमाइज करने का दबाव बनाया जा रहा है। उसका एक बिहारी एंगल भी था चारा घोटाले का। तो नीतीश, यही ना विरासत है आपकी, अब इसी को लेकर चले आए हैं आप क्या? कहीं शराब पर जबरदस्त घोटाला है, कहीं बंगाल में करोड़ों रुपए मिलते हैं फ्लैट से, बाकी हजारों करोड़ का नेशनल हेराल्ड का घोटाला जनता के सामने है। तो नीतीश जी, आजकल जिसके साथ आप खड़े हैं उसमें एक तो उनके बड़े नेता को सजा मिल चुकी है 5-5 केस में, आगे कई लोग आरोपित हैं, तो यही कुनबा जोड़ने के लिए आप दिल्ली आए हैं क्या? तो हम नीतीश बाबू को बहुत विनम्रता से बताना चाहेंगे कि ये देश इस प्रयोग से बहुत आगे चला गया है। 2014 के बाद का हिंदुस्तान स्थायित्व चाहता है, स्टेबिलिटी, पूर्ण बहुमत चाहता है, और एक निर्णायक नेता को आशा भरी निगाहों से देख रहा है जिसने भारत का मान दुनिया में आगे बढ़ाया है। और इस बात से उसका संकेत मिलता है कि 2-3 दिन पहले भारत की इकॉनमी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बन गई, इंग्लैंड को पीछे छोड़कर। यह होता है जब स्टेबिलिटी आती है, यह होता है जब नेता मजबूत, निर्णायक और ईमानदार होता है, ये तब होता है जब नरेंद्र मोदी ऐसे नेता देश में आशा का प्रवाह करते हैं, एन एटमॉस्फेयर ऑफ होप, एनर्जी, कमिटमेंट एंड डेवलपमेंट। तो ये देश अब बन रहा है जहां स्टार्टअप आगे बढ़ रहे हैं, जहां डिजिटल इंडिया आगे बढ़ रहा है, जहां फिनटेक मूवमेंट बहुत आगे बढ़ रहा है, जहां लाखों करोड़ रुपए गरीबों को उनके बैंक अकाउंट में जा रहे हैं, जहां 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन कराया गया। तो ये देश का एक स्वरूप है, भारत की साख दुनिया में है, मोदी जी दुनिया के लोकप्रियतम नेताओं में से हैं, फिर टॉप किए सर्वे में। तो एक तरफ भारत का ये स्वरूप है, आशा का, विकास का, ऊर्जा का, और भविष्य को और मजबूती से आगे बढ़ाने का। और नीतीश बाबू, आप दिल्ली आ गए हैं तो कृपया करके आप घूमिए, लेकिन जो एकता का आप स्वांग रच रहे हैं ये बंद कर दीजिए। देश न सुनने वाला है, न देश उस पर कोई विश्वास करने वाला है। ये बात मुझे बतानी बहुत जरूरी थी। और ये प्रयोग बार बार होता है, कभी शरद पवार ने कोशिश की अपने घर पर, कभी ममता जी दिल्ली आई तो कोशिश की, कभी KCR साहब हैदराबाद से आके कोशिश करते हैं, कभी कभी केजरीवाल जी भी एकता का एक झंडा बुलंद करने की कोशिश करते हैं। अब नीतीश बाबू आप आ गए हैं तो ये प्रयोग होता रहता है, लेकिन कृपया करके आप इस पंक्ति में लास्ट खड़े हैं, और बाकी लोगों का हश्र क्या हुआ ये देश देख चुका है।
ये देश इस तरह के अवसरवादी गठबंधन पर न कभी विश्वास करेगा, न कभी उनको प्रोत्साहित करेगा, उनको रिजेक्ट करेगा, अस्वीकृत करेगा। ये हमारा पूरा विश्वास है। धन्यवाद। अरे भाई, दिन में सपने देखने पर कहां पाबंदी है? मैं फिर कह रहा हूं, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में दोनों लोग एक हुए थे कि नहीं? हाँ, हुए थे ना। बिहार में दो युवराज एक हुए थे कि नहीं? बाकी जगह अलायंस हुआ था कि नहीं हुआ था? क्या हुआ रिजल्ट आपने देखा? तो जब देश आशा और विकास से आगे बढ़ता है तो देश का मानस दूसरा होता है, और वो देश आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में आगे बढ़ा है और बढ़ रहा है। अब ये तो आप कांग्रेस के नेताओं से पूछिए, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा देश की एकता को जोड़ने के निकले हैं, ये सवाल ही अपने आप में बड़ा रोचक है। हाँ, क्योंकि जब रॉबर्ट वाड्रा की बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, और देश को एक करने में उनकी क्या भूमिका होगी, भ्रष्टाचार के अतीत को लेकर बहुत बातें उठेंगी। अच्छा है ये सब लोग साथ चलें, उस यात्रा में तो कुछ होने वाला नहीं है, मैं बता चुका हूं, लेकिन जैसे जैसे लोग उस यात्रा में जुड़ने की बात कर रहे हैं, वही इस यात्रा को एक माहौल बनाएगी। ये लग रही है कि वो 2024 में विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बन जाए, क्योंकि उनकी तरफ से भले ही ना स्वीकार किया जा रहा हो, लेकिन चर्चा इस बात की। मैं फिर पूछ रहा हूं, अभी विपक्ष का नेता कौन बनेगा ये तो विपक्ष तय करेंगे ना। ममता जी छोड़ देंगे अपना दावा क्या? शरद पवार छोड़ देंगे क्या? KCR छोड़ देंगे क्या? केजरीवाल जी छोड़ देंगे क्या? लेकिन एक बात मुझे जरूर कहनी है कि ये सवाल जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो अभी KCR जी पटना गए थे और आपके मित्रों ने ये सवाल उनसे पूछा, उन्होंने पटना में भी ये बोलने की हिम्मत नहीं की हम लोग बैठ के सोचेंगे। देख लीजिए क्या होता है। घंटे में 4 हत्याएं हो गई हैं और नीतीश कुमार यहाँ दरवाजे दरवाजे घूम रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, सबको एकजुट करेंगे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर वो चुप्पी साधे हुए। मैं बहुत भर्त्सना करता हूँ, हम बार बार कहते थे कि बिहार में खौफ का राज आ गया है। पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि जिस तरह डकैती बढ़ रही है, हत्या बढ़ रही है, लूट बढ़ रही है, तो खौफ का मतलब ये होता है कि अपराधियों को इस बात का विश्वास है कि अब हम जो करेंगे तो हमारे खिलाफ पुलिस सख्ती नहीं करेगी। और जिन नए दोस्तों के साथ नीतीश बाबू खड़े हैं वहाँ क्या हाल है? मुझे बताया गया है कि जो पूर्व कानून मंत्री हैं जिनका विकेट गिर चुका है वो अभी तक फरार हैं। हाईकोर्ट ने कहा सरेंडर करें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी कहा सरेंडर करें। तो जब नए पूर्व कानून मंत्री की फरारी का आलम यह है तो अपराधियों की बात आप क्या करते हैं? वेल, दिस इज रॉबर्ट वाड्रा ज्वाइनिंग द यात्रा इज क्वाइट अम्यूजिंग एंड इट इज नॉट ए भारत जोड़ो यात्रा। मिस्टर राहुल गांधी कुड नॉट यूनिफाई हिज पार्टी, मिस्टर राहुल गांधी कुड नॉट यूनिफाई हिमसेल्फ विथ हिज पार्टी। देर इज अ डेली दरबारी कोरस दैट ही शुड बिकम प्रेसिडेंट अगेन एंड इज रिलक्टेंट एंड एवरी मंथ ही टेक्स ए वीक ऑफ अब्रॉड, तो ही इज नॉट सीरियस ऑफ हिज ओन इन्वॉल्वमेंट विथ हिज पार्टी। नाउ ही हैज कम टू यूनिफाई द कंट्री, भारत को जोड़ने की बात करते हैं। मिस्टर राहुल गांधी, डिड यू आस्क very disturbing question seeking the evidence of the armed forces about Balakot instance or not, about Uri instance or not? Therefore you sought to weaken the morale of the forces whose sacrifice is never questioned in the country. That is your commitment as far as unity is concerned. Today Congress leaders like Mr. Gulam Nabi Azad and host of others are publicly saying why they were humiliated. Therefore, it is a family-saving campaign. A family whose political expanse is shrinking, the party is shrinking, serious corruption issues are there. Therefore, this whole yatra is there.
टू टेक द लाइमलाइट फॉर द फैमिली नॉट फॉर द यूनिटी ऑफ द कंट्री। मोदी जी को अमित शाह को सद्बुद्धि दे, क्योंकि यही देश चला रहे हैं और जो देश में माहौल है उनके कारण से बना है, इसलिए राहुल गांधी इस यात्रा को निकाल रहे हैं। कांग्रेस ये भी कर रही है इस यात्रा के जरिए हम राहुल गांधी को ये भी संदेश देना चाहते हैं कि वही पार्टी का नेतृत्व करें। तो भाई बात आ गई ना कि देश को जोड़ने का सवाल नहीं है ना, उनको दोबारा नेता बनाने की कवायद है, तो ईमानदारी से बोले ना इस बात को। तो इसके लिए देश जोड़ने की बात की जा क्यों की जा रही है? अगर कांग्रेस पार्टी का यही स्टैंड है तो हम ये जानने चाहेंगे कि राहुल गांधी को कितनी बार लॉन्च रिलॉन्च रिलॉन्च किया जाएगा, ये तो हम देख ही चुके हैं ना। धन्यवाद।